भारतीय किसान संघ ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार की सुबह टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर बैठकर एक दिवसीय धरना दिया और सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष शिव मोहन गिरी के नेतृत्व में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा, यदि प्रदेश सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करेगी तो किसान संघ सड़कों पर उतरकर प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम शिव मोहन गिरी है। तो मोहन जी बताएं, वो आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं धरना, क्या उद्देश्य? आज दिनांक 16 दिसंबर 2021 को ये भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में किसानों की जो फसल बीमा राशि है उसको लेकर के और स्थानीय जो किसानों की समस्याएं हैं, जिनको जैसे जो बिजली की समस्या है कि गांव में ट्रांसफार्मर कहीं कहीं तो एक साल से, कहीं 6 महीने से, कहीं 1 महीने से ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे हैं। किसानों की चूँकि फसल तैयार हो रही है, अगर इस समय उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो वो निश्चित रूप से सूख जाएगी। तो हमने तरह तरह के उसमें दिया हुआ है, जहाँ ट्रांसफार्मर खराब है उनको सुधरवाने वापस अदरक, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अदरक को एक जिले का हमारी फसल बताया था कि एक जिला एक फसल, इसके अंतर्गत अदरक को लिया गया है। तो हम लोगों ने मांग की है कि अदरक को जो खरीद है वो समर्थन मूल्य पर हो। इसके अलावा राजस्व में वर्षों से जो गड़बड़ियाँ हैं वो त्रुटियाँ जानबूझकर की गई हैं अधिकारियों द्वारा, जिससे कि किसानों से मांग हो सके पैसे की। इस तरह से लगभग 15 मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन, तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। कितने दिवसीय धरना प्रदर्शन? ये आज का ही है, एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। अगर इस पर भी हमारी मांग मानी नहीं जाती है तो फिर आगे बड़ा रूप में हमारा आंदोलन होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।